15 और 16 जून की रात को चीन ने एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया, एक अक्षम्य अपराध किया जिसमें भारत मां के 20 बेटों ने अपनी शहादत दे दी। पर क्या दुनिया का कोई देश खुलकर हमारे पक्ष में खड़ा है? ये बात मैं आज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब से मोदी जी ने सत्ता की बागडोर संभाली तब से लेकर आज तक 44 देशों की उन्होंने यात्रा की, जिसमें करदाताओं का 446.52 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज रूस ये कह रहा है कि चाइना एंड इंडिया शुड रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट देमसेल्व्स, अर्थात चीन और भारत अपने मुद्दे अपनी परेशानियां स्वयं निपटाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके लिए इसी साल फरवरी माह में हमने 3,70,00,000 के फूल बरसा दिए उनके स्वागत में 100 करोड़ रुपए लगाकर मोटेरा स्टेडियम में उनका भाषण करवाया, यमुना जी में उनको ताजमहल देखते वक्त दुर्गंध ना आए इसके लिए करोड़ों लीटर पानी बहा दिया, और हमको क्या मिलता है उसके बदले? हमको ये मिलता है कि HCQ की दवाई अगर एक दिन भी डिले हो जाती है तो रिटेलिएट जैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। हमें ये मिलता है कि चीन के दुस्साहस पर अमेरिका अपनी चुप्पी धारण कर लेता है। और तो और छोड़िए, नेपाल जैसा हमारा मित्र देश आज भारत माता की भूमि को अपना भाग बता रहा है। दोस्तों, ये कौन सी कूटनीति है? इस 44 देशों की यात्रा से हमने क्या पाया? ये करदाताओं के 450 करोड़ रुपए के व्यय से हमने क्या हासिल किया? सोचिएगा जरूर।